इवनिंग दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 74 kg फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सुधीर कुमार, मोहम्मद असदुल्ला, सुशील कुमार, योगेंद्र दत्त और चंद्रराम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सुशील कुमार एक सही आंसर है, और सुशील कुमार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीछे वाली वीडियोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक नैम सुलेम नोगलू का हाल ही में निधन हो गया था, वो किस देश से संबंध रखते थे? तो हमारे पास ऑप्शन है निकारागुआ, एस्टोनिया, लातविया, तुर्की और चीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि तुर्की से वो संबंध रखते थे, यानी कि वो जो थे वो तुर्की से थे। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। 3 ओलंपिक पदक जीतने वाले तुर्की के वार्ताोलक नईम सुलेमा नोगलू का राष्ट्रीय हीरो का दर्जा दिया गया था। नईम का जन्म बुल्गेरिया में एक पारंपरिक तुर्की परिवार में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास करने के दौरान 1986 में उन्होंने तुर्की में बसने का फैसला ले लिया था। ईम सुलमा नोगलू ने तुर्की के लिए लगातार 3 बार यानी कि 1988, 1992, 1996 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उनका जो कद था वह महज 4 फुट 10 इंच का था। उनका जो वजन था 135 पाउंड का था। बुल्गारिया में जन्मे नईम अपने वजन से लगभग 3 गुना ज़्यादा वजन उठा लेते थे। उन्होंने 7 बार विश्व और 6 बार यूरोपियन चैम्पियनशिप जीती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है वो है, किसने KPIT MSLTA ATP चैलेंजर का खिताब जीता था? जो हमारे पास ऑप्शन है, यूकी भांबरी, रामकुमार रामनाथ, लिएंडर पेस, महेश भूपति और सोमदेव देवबर्मन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि यूकी भांबरी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं यूकी भांबरी के बारे में। यूकी भांबरी ने पुणे में KPIT MSLTA चैलेंजर में फाइनल में हम वतन यानी कि अपने ही देश के रामकुमार रामनाथन पर पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। इससे उन्होंने ATP चैलेंजर में 2017 सत्र का पहला खिताब अपने नाम किया था। देश के शीर्ष एकल खिलाड़ी यूकी ने 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चले फाइनल में रामनाथन को 4-6, 6-3 और 6-4 से जीत दर्ज की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, एरिक्सन ने भारतीय एयरटेल के साथ 5G प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया था। जो एरिक्सन कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है? तो हमारे पास ऑप्शन है रूसी, कनाडियन, अमेरिकी, स्वीडिश या फिर भारतीय। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि स्वीडिश, एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, किसने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 970 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखी है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें है नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बासी नकवी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नितिन गडकरी एक सही अंतर है आंसर है। उसके बाद जो नितिन गडकरी है उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी का जन्म जो हुआ था वो 27 मई 1961 को हुआ था। वो एक भारतीय राजनीतिक भी थे और भाजपा में वो 16वीं लोकसभा में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वो 2009 में भारतीय जनता पार्टी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे कॉमर्स में
ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हुई है। वो एक भारत के उद्योगपति भी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है कि किसको 2017 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, शिवराज सिंह चौहान, रघुराम राजन और मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि जो मनमोहन सिंह है वो एक सही आंसर है। आइए मनमोहन सिंह के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपनी नम्रता, कर्मठ और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विद्यालय से मैट्रिक की थी। उनके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की थी। उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत के निर्यात आधारित व्यापार नीति की उन्होंने आलोचना भी की थी। 1991 से 1996 तक वो भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उसके बाद उससे पहले जो थे वो भारत के वो गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर सिंह के नाम से एक स्कॉलरशिप भी चलती है जो कि सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज के में चलती हैं। उसके बाद उनको जो डिग्री मिली थी बीए इन इकोनॉमिक्स में सेंट जॉन कॉलेज से वो 1957 में मिली थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है निकारागुआ के लेखक और पूर्व राजनेता का नाम क्या है जिन्होंने 2017 में सर्वेस्टस पुरस्कार जीता है। तो हमारे पास ऑप्शन है एनरिक बुरमेंडेज, आर्मंडो मोरालेस, सर्जियो रेमडेज मर्कडो, रोसारियो मुलरियो कैमलियो मेजिया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सर्जियो रेमिरेज मर्कडो एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का जो 8th क्वेश्चन है वो है किसने सोशल एक्सक्लूजन एंड जस्टिन इन इंडिया पुस्तक नाम जो पुस्तक वो लिखी थी। हमारे पास ऑप्शन है पीएस कृष्णन, एम वेंकटेया नायडू, थावरचंद गहलोत, राकेश कुमार और अरुण सिंह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीएस कृष्णन एक सही आंसर है। आज का जो 9th क्वेश्चन है वो है किसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे पास ऑप्शन है एटम एग्नोय, रॉब स्टीवर्ट, दीपा मेहता, जेम्स कैमरून और आर्थर हीलर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एटम एग्नोय एक सही आंसर है। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने विभिन्न उत्पादों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ व्यापक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है। तो हमारे पास ऑप्शन एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, देना बैंक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि यस बैंक एक सही आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की कर रहे हो या UPSC की कर रहे हो या SSC की कर रहे हो, तो मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे ही, साथ ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।